इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैरकानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।